अपना जीरमपुर मध्य चलेगा पंडो भाटों का टीम यहाँ पर और जो जीतेगा वो तो भैया यहाँ पर मैच। और भैया मुकाबला ऊपर जोरदार ताली बजा, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। अरे बोले छत्तीसगढ़ माता तारी की, वाह जोरदार तेकारा लगाएंगे, बड़ा मैच है भाई। बोले छत्तीसगढ़ माता तारी की, बोले भारत माता की, बोले शिमला माता की। भैया और क्या मुकाबला है, तो बड़ा मुकाबला चलता है। ये तो डांसर है भैया, ये तो डांसर, किसको डांसर, बिल्कुल मिथुंडा, क्या क्या बिल्कुल यहाँ पर मैच चलता हुआ। और इस रेडर को क्या कहूँ, क्या कहना, ये पांच नंबर का रेडर क्या पॉइंट लाएंगे। और बिल्कुल यहाँ पर अभी तक खाता नहीं खोला है। और जी हाँ, यहाँ पर बहुत बढ़िया सुंदर मुकाबला चलता हुआ, पांच नंबर जर्सी क्या पॉइंट लाएंगे। सबकी नजरे, सबकी निगाहें जो है टिकी हुई है इस मैच में, क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ा, और क्योंकि बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का मैच है। और जो जीतेगा वो सिकंदर, और इस मैच का विनर बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा कि किशनपुरी जीतेगा। अभी तक दोनों टीम हाँ खाता नहीं खोली, और बिल्कुल देखना होगा कि अब क्या होगा रे कानिया। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर अरे वाह, तो भैया अब इस रेडर को क्या कहूँ, कमाल का रेडर है ये, रेडर जबरदस्त रेडर है। हम देखे थे कृष्णपुर में क्या जबरदस्त रेडर, रेडर ऑलराउंडर रेडर है, क्योंकि ये पॉइंट लाने में और गुनासान लाने में क्या। और बिल्कुल यहाँ पर नहीं, गुनासान नहीं मिला। और तीन डिफेंडर गए हैं और बिल्कुल चार डिफेंडर यहाँ पर मौजूद लॉबी पर। और किशनपुरी बिल्कुल यहाँ पर सूझबूझ कर खेलना होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। और जिला दिखा देखिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सुंदर मुकाबला। हाँ अगला मैच होना है हमारे सतर जी, हाँ के ऊपर पुरुष वर्ग मारवाड़ी बालक और मारवाड़ी का मध्य यहाँ पर होने वाला है। क्या बड़ा मुकाबला, और बड़ा मुकाबला इधर चलता हुआ, और उतनी अच्छी यहाँ पर मैच है। बालिका वर्ग भी तैयार रहेंगे भाई, अभी बालिका वर्ग भी मैच होना है। और मैदान क्रमांक एक पर भी हाँ क्लब चवाड़ वर्सेज भानपुरी, मैदान क्रमांक दो पर उतरेंगे चवाड़ और स्टूडेंट क्लब चवाड़ और भानपुरी, मैदान क्रमांक दो पर होना है, जल्दी उतरेंगे आप मैदान क्रमांक दो पर। और मुकाबला इधर हाँ स्कोर बोर्ड पर हम जाना चाहेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप भैया और बिल्कुल पॉइंट पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर और दावा किया है। बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट मिलता हुआ, वन पॉइंट मिलता हुआ, तीन नंबर जर्सी हमारे सत्य प्रकाश। और बिल्कुल आठ नौ नंबर जर्सी के रीडर तो खतरनाक रीडर है, ये रीडर को क्या कहना, ये जबरदस्त रीडर है। क्या पॉइंट लाएंगे, क्या पॉइंट लाएंगे। और भोला संघ और पॉइंट लेने में बहुत माहिर होता है ऐसा रीडर है, भोला संघ मिला है, भोला संघ मिला है। और स्कोर बोर्ड पर हम जाना चाहेंगे कितने पॉइंट से लीड है, अभी भी दो एक पॉइंट से दोनों किशनपुरी, जी हाँ एक पॉइंट से किशनपुरी लीड है अभी भी। अब तो भैया देखना होगा क्या किशनपुरी जीतेगा, क्या मन्नू का टीम जीतेगा, भीरनपुर जीतेगा, ऐसा टीम यहाँ पर सबका निगाहें, सबकी निगाहें जो है और टिकी हुई इस मैच में बिल्कुल नजरे। और नौ नंबर जर्सी, नौ नंबर जर्सी बिल्कुल यहाँ पर कूद पड़े, क्या पॉइंट लाएंगे। और बिल्कुल एक पॉइंट से लीड बनाकर रखी है, एक पॉइंट से लीड बनाकर, बड़ा मैच है सेमीफाइनल का, बड़ा मैच, एक जो भी जीतेगा वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा, ऐसा मैच हमारे बीच में आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर टू पॉइंट मिला है, जी हाँ 26 नंबर को बाहर जाना होगा। और पांच नंबर जी हाँ, और ये पांच नंबर जर्सी पर फिर से कूद पड़े हैं, क्या पॉइंट लाएंगे, ऐसा मुकाबला। और आप सभी देख रहे हैं बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है, और क्या पॉइंट लाएंगे, पॉइंट लाना होगा तभी। और हाँ एक पॉइंट से जहाँ तक की लीड होगा है ना, एक पॉइंट से अब मंडू का टीम भीरनपुर, क्या मुकाबला चलता होगा। और नौ नंबर जर्सी ये तो भैया खतरनाक रेडर है, इस रेडर को पकड़ पाना मुश्किल होता है, बिल्कुल लंबे लंबे कटके घेरे हैं हमारे, बिल्कुल यहाँ पर आ रहे हैं देखना होगा, बिल्कुल यहाँ पर थ्री पॉइंट
बिल्कुल यहाँ पर फ्री पानी मिलता हुआ बिल्कुल जबरदस्त है यहाँ पर। और क्या कहूंगा, तो क्या जबरदस्त मुकाबला, अब तो पूरी तरह से यहाँ पर किशनपुरी जो है लड़का रही है जी हाँ। और एक नंबर धरती पर अब तो भैया कुछ करना होगा। और अरे वाह, यहाँ पर इतना टाइम मिलेगा बिल्कुल यहाँ पर आप इतने बिल्कुल 2 पॉइंट मिला है। और फिर से यहाँ पर तीन डिफेंडर मौजूद है और अभी भी यहाँ पर तीन डिफेंडर मौजूद है। सुपर टेकल ऑन है, पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट मिलेगा, पकड़ना होगा, 2 पॉइंट लेना है तो बिल्कुल पकड़ना होगा। और क्या पकड़ेंगे और सबका निगाह है क्योंकि बड़ा मैच है और बड़ा मैच आगाज। और जी हाँ, 13 नंबर जर्सी तो बाहर जाना होगा, टच पॉइंट का दावा। और 1 नंबर जर्सी फिर से कुछ पड़े हैं और क्या कहना, ऐसा मैच अभी तक मध्यांतर नहीं हुआ है और मध्यांतर के बाद स्कोर बोर्ड पर हम बाद में जाना चाहेंगे क्योंकि अब भैया मैच हम रुक इधर मैच चलता हुआ मध्यांतर वहां ग्रो क्या जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ और देखना होगा बिल्कुल यहाँ पर क्या कहूंगा। और बिल्कुल यहाँ पर मध्यांतर होता हुआ और मध्यांतर के बाद हम स्कोर बोर्ड पर जाना चाहेंगे क्या मुकाबला, क्या जबरदस्त मुकाबला है। कितने पॉइंट मिली थी? 5 और जो है विजय हुआ है बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया सुंदर मैच चल रहा था। हाँ, अंडर 17 का मैच, क्या सुंदर मुकाबला इधर और चलता हुआ, बड़ा मैच का आगाज हो रहा है क्योंकि हमारे बीच में अब बड़ा मैच और लाने का प्रयास करेंगे। सेमीफाइनल का मैच डबरी बालोद और मारवाड़ी का मध्य होना है और इस रेडर को क्या कहना, क्या जबरदस्त रेडर है, क्या पॉइंट लाएंगे, क्या पॉइंट लाना होगा। और 1 नंबर जर्सी सुंदर और अरे वाह बिल्कुल यहाँ पर और कोई मौका नहीं और पॉइंट तो मिलता हुआ बीरनपुर को पॉइंट ही मिला है और सुंदर यहाँ पर मैच चलता हुआ। 2 नंबर जर्सी हमारे रवि कुराम जी और छोटे कट के रेडर है लेकिन बहुत बढ़िया तंदुरुस्त अपने बिल्कुल यहाँ पर फुटवर्क अच्छा है, उसका फुटवर्क बहुत बढ़िया लेकिन किशनपुरी को हाथ से पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है। अब तो कुछ करना होगा अंतिम समय में क्योंकि अभी स्कोर बढ़ता जा रहा है, अभी भी 8 पॉइंट से है ना, 8 पॉइंट से भी है ना, 7 पॉइंट से भी। और जी हाँ, अब आठ हो चुका है बिल्कुल। ये जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ और देखना होगा अभी पांच डिफेंडर मौजूद है और 5 इस रेडर को क्या कमाल का रेडर है ये रेडर 9 नंबर जर्सी क्या। और बिल्कुल यहाँ पर और जो जीतेगा वो फाइनल प्रवेश करेगा। अब मेरे को जहां तक लग रहा है हम क्रिस्टीपुर में हम गए थे वही मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, आपको बाद में बताऊंगा जो जीतेगा। और मरकटल बिल्कुल यहाँ पर क्या मुकाबला होने वाला है जबरदस्त, इसके बाद तैयार रहेंगे भाई, इसके बाद तैयार रहेंगे। देवी बालक और मारवाड़ी का मैच होना है पुरुष वर्ग का, क्या मुकाबला होने वाला है। और बिल्कुल यहाँ पर टीवी चालू हो रहा है और बहुत बढ़िया सुंदर मुकाबला ऐसा व्यस्त हमारे नौजवान हमारे जवान डिफेंडर्स ऐसा व्यस्त बना है, उनका हम अभिनंदन स्वागत पा रहे। बीच में चलता हुआ मैच, क्या सुंदर मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला है और जो जीतेगा वो तो सीधा प्रवेश करेगा फाइनल में। और क्या पॉइंट लाएंगे और सबका निगाहें सबकी नजरें जो है इस मैच पर टिकी हुई है और सुंदर मुकाबला कहना चाहूंगा और सुंदर मुकाबला ही है और बहुत बढ़िया। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं मिले एक अंग कोई टीम का जीत का अधिकार नहीं होता, ऐसा एक अंक लाना होगा तभी कुछ कहा जा सकता है किशनपुरी को, नहीं तो फिर इधर पूरी तरह से किशनपुरी लड़खड़ा चुकी है। और इसके बाद आप जल्दी पढ़िए मैदान के मांग दो पर फटाफट करना है अंडर 17 का मैच और इधर हमारे पुरुष वर्ग का हमारे बस्तर संभाग का मैच यहाँ पर चलता हुआ सुंदर मुकाबला। और
क्या मुकाबला कहूँ, बहुत बढ़िया मुकाबला है। और सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। अगर ऐसा हमारे खिलाड़ी जो है ये सब मेहनत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा खेलेगा, अच्छा सुनबुझ कर खेलेगा, अपने आप को तंदुरुस्त बचा कर खेलेगा, वही खिलाड़ी जीतेगा। और वही नजारा हमें देखने के लिए मिल रहा है हमारे हिरनपुर की तरफ से। बिल्कुल पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन इस रेडर को पकड़ना नामुमकिन है। लंबे गत का रेडर और लंबे खिलाड़ी रहते हैं, बिल्कुल उनको फायदा होता है, लंबे हाथ लंबे पैर क्योंकि कबड्डी में उनका फायदा और फायदा उठाते जरूर है हमारे 9 नंबर जर्सी बीरनपुर का। और सुंदर मुकाबला चलता हुआ, ऐसा मुकाबला देखना होगा ये 9 नंबर जर्सी बीरनपुर का। और पॉइंट जरूर लाते हैं, पॉइंट लंबे और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर गुलाब दिया है, बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया सुंदर ऐसा खोक्सी बामे गुलाब देता है ना पत्र से, वैसा गुलाब दिया यार। क्या मुकाबला है, ऐसा मुकाबला हमारे बीच में चलता हुआ और क्या कहना। और बिल्कुल यहाँ पर कोई मौका नहीं पहुंची आप, क्योंकि अब मैच अब कुछ ही समय बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। और मुकाबला जबरदस्त मुकाबला है, ऐसा मुकाबला बिल्कुल यहाँ पर हमारे बीच में चलता हुआ रे वाह। और जिया मन्नू भाटो जिया और अंतिम अंतिम समय हार है लगभग, और मुकाबला तो जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। और इसके बाद जल्दी आप आइए, छोटा छोटा जल्दी आइए, हमारे बड़ा मैच है, बड़ा मैच लाने का प्रयास करेंगे आपके बीच में। वही मैच सेमीफाइनल का मैच है, जो जीतेगा वो तो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा। और हमारे महातारी मल्ला हमारे मात्र शक्ति मल्ला निवेदन है भाई, यहाँ पर की अब यहाँ पर मैच जो है बिल्कुल यहाँ पर जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार फाइनल में पहुंच चुकी है हमारे बीरनपुर मन्नू भाटो का टीम। क्या मुकाबला था, क्या जबरदस्त मुकाबला, और बहुत बढ़िया मुकाबला चल रहा था। और इसके बाद आप आएंगे और बिल्कुल यहां पर फाइनल में पहुंच चुकी है उनका हम हार जीत।